हाय किड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई बुक। देखते हैं इसका नाम क्या है। लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो ये हमारी आज की बुक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगे ये बुक पढ़ के। आई होप आप इंजॉय करें, राइट? चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, बताइए। आप पढ़ सकते हैं, ट्राई करिए। द अल्फाबेट, क्या लिखा है यहाँ पे? द अल्फाबेट। तो हमें इस बुक में सबसे फर्स्ट चैप्टर में अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है और अल्फाबेट्स क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, बताइए सब। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैपिटल मतलब बड़ा। कोई भी लेटर को, अल्फाबेट को जब हम बड़ा लिखते हैं, उसको हम उसके इस कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो कैपिटल लेटर है, राइट? दोबारा से देखिए, देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Right, तो आपने ये ABCD तो आपने पढ़ा ही होगा, पर आपको ध्यान में क्या रखना है? Capital letters. राइट, आप अपनी नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करिएगा कैपिटल लेटर्स कैसे बनाते हैं, राइट? अब हम एक काम करेंगे, इस पूरे ए टू जी को एक म्यूजिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? म्यूजिकल फॉर्म मतलब एक पोएम के फॉर्म में, राइट? एक गाने के फॉर्म में। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U E W X Y Z, right? तो अगर आप इसको इस पोएम के फॉर्म में पढ़ेंगे, इस सॉन्ग के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और जल्दी जल्दी लर्न होगा, ठीक है? कैपिटल लेटर्स आप सबको समझ आ गए होंगे। अब आप बना के खुद से भी देखिएगा किस तरीके से, देखो A बनाया हुआ है, किस तरीके से B बनेगा, किस तरीके से C बनेगा, देखिए A B C, D, right? किस तरीके से बना रखा है ना इन्होंने, आप मेरे साथ साथ भी बनाने की कोशिश करिए। F, G, H, कैसे बनाते हैं H? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। I, एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं I बनाने के लिए। J कैसे बनाते हैं? स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, yes. Then K के लिए standing line, slanting line and slanting line. ये बात सबको पता ही होगा, ये standing line होती है, ये sleeping line होती है और ये slanting line होती है, right? L देखिए, L ऐसे बनता है, M, N, right? O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and last में क्या आता है? Z, जिसे हम Z भी बोलते हैं, ठीक है? तो सबको ये बात समझ आ गई होगी कैपिटल लेटर्स के बारे में। आगे देखेंगे हम स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? वही सेम, ए टू जेड आपका बिल्कुल सेम रहता है, पर हम जो हमारे लेटर्स हैं उसकी फॉर्मेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, राइट? वो जिस तरीके से बनते हैं ना, उसे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो, जैसे अगर हम कैपिटल ए बना रहे थे, आपको याद होगा अभी पीछे हमने कैपिटल ए बनाया था, कैसे बनाया था हमने? ऐसे बनाया था ना कैपिटल ए। पर अगर आपको स्मॉल ए बनाना है तो वो ऐसे बनता है, ठीक है? देखो कैसे बनाया हुआ है, ए बी C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. तो
तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने ए बनाया हुआ है, बी बनाया हुआ है, सी बनाया हुआ है, डी बनाया हुआ है। ये आपको प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में। आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, इसको बना के देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो, हमने अब आप आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। देखो, जैसे अगर मुझे बनाना है कैपिटल एम, तो मैं ऐसे बनाऊंगी ना, और मुझे स्मॉल एम बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर बनाना है कैपिटल टी, तो वो ऐसे बनेगा, और स्मॉल टी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करना, बना बना के प्रैक्टिस जितना करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखेंगे हम क्या है हमारे पास। हैंडराइटिंग प्रैक्टिस, ए बी सी हैंडराइटिंग की हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसे लिखते हैं, इसे साथ में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ में एक अच्छी शार्प पेंसिल लेनी है, बिकॉज अगर आपकी पेंसिल ब्लंट होगी तो आपके फॉर्मेशन अच्छे नहीं आएंगे। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर पेंसिल इन योर हैंड एंड वी विल स्टार्ट, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आप देख सकते हैं किसकी पिक्चर दी हुई है, एक एप्पल की पिक्चर दी हुई है, राइट। एक रेड कलर का एप्पल है यहाँ, तो आप इसके लिए इस तरीके से बना देंगे ए, ठीक है। समझ आया? आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इन्होंने कैपिटल कर्सिव ए बनाया हुआ है, फिर स्मॉल कर्सिव ए बनाया हुआ है, सो डो नॉट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉल है, बहुत कलरफुल सी बॉल है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे बॉल को, बताइए मुझे। बी ऐसे एंड देन स्मॉल कर्सिव बी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ये आपको आता होगा, और नहीं आता तो आप मेरे साथ सीखिए, ठीक है। किस तरीके से मैम ने बी बनाया है और स्मॉल कर्सिव बी भी बना दिया उसके साथ साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट एक कैट है, राइट। तो पहले ये बड़ा सी एंड छोटा सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉग, तो ये बड़ा डी एंड ये छोटा डी, गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट इज एलिफेंट, राइट। कितना बड़ा होता है ना एलिफेंट, इस तरीके से बनेगा। बड़ा ई ऐसे बनता है, देखिए, और स्मॉल ई ऐसे बनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास है फिश, बड़ा एफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और स्मॉल एफ ऐसे बनता है। थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ, बड़ा एफ ऐसे बनता है और छोटा एफ ऐसे बनता है, ठीक है। सबको ध्यान रखना है, जो भी मैम बता रही हैं, अपने हाथ में एक पेंसिल रखनी है और साथ साथ लिखना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेप्स, राइट। तो ये हमारा जी हो गया कैपिटल कर्सिव और ये जी हो गया स्मॉल कर्सिव। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्स, एक व्हाइट कलर का हॉर्स है, सो इस तरीके से एच बन गया और ये स्मॉल एच बन गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आई एम श्योर सबकी फेवरेट चीज होगी ये, क्या है ये? यस, एक आइसक्रीम है, सो आई एंड आई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जग, सो ये हमारा जे एंड जे, इस तरीके से, ठीक है। दोबारा से आप बना के देखिएगा सब कुछ, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है काइट, तो ये के हो गया और ये स्मॉल के कर्सिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लायन, सो ये बड़ा एल और ये छोटा एल, ठीक है। बड़ा मतलब कैपिटल कर्सिव एंड छोटा मतलब स्मॉल कर्सिव। नेक्स्ट है मंकी, एम और एम, ठीक है। ये हम बस हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जो फॉर्मेशंस हैं वो कैसे हैं, हमारे फॉर्मेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेस्ट, एन एन, ठीक है। नेक्स्ट है ओ फॉर ऑरेंज, ये हमारा इस तरीके से ओ बना दिया हमने, बात समझ आती है, राइट। इसके बाद आगे देखें अगर हम, हमारे पास है ग्रीन कलर का एक पैरेट, राइट। आपने पैरेट देखा है कभी? अगर देखा है तो मुझे एक थम्स अप दिखाइए, ठीक है। चलिए, सो ये हमारा पी एंड पी, ठीक है। पैरेट के लिए पी लिखेंगे। नेक्स्ट है क्यू फॉर क्वीन, सो ये हो गया क्यू एंड ये हो गया क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है रोज, सो ये हो गया आर आर, बड़ा आर बनता है ऐसे और छोटा आर बनता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सन, सो एस एंड छोटा एस,
ठीक है, बिल्कुल सेम है, ये बस बड़ा बनेगा कैपिटल कर्सिव और ये छोटा बनेगा स्मॉल कर्सिव। ठीक है, आगे है ट्री, टी फॉर ट्री, सो ये इस तरीके से आपने टी बना दिया। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, सो यू एंड यू, ठीक है, बड़ा यू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, छोटा यू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्या है, वैन है, सो वी एंड वी। नेक्स्ट एक वॉच है, सो डब्ल्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट है एक एक्समस ट्री, क्रिसमस पे आप क्रिसमस ट्री लगाते होंगे ना, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, एक्स से स्टार्ट होता है, तो हमने ऐसे एक्स बना दिया एंड स्मॉल एक्स भी बना दिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है बताइए, ये है यक, सो हमने इस तरीके से कैपिटल वाई एंड ये हमारा स्मॉल वाई। क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट इज जेब्रा, सो कैसे बनेगा जेड, इस तरीके से जेड कैपिटल एंड स्मॉल कैपिटल कर्सिव जेड इस तरीके से बनेगा। बात सबको समझ आती है, हमने ये हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करी है और आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अच्छे तरीके से लिखने आने चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब देखेंगे आगे, हमारे पास इतना ही था इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको आई एम श्योर अल्फाबेट समझ आए होंगे ए से लेके जी तक, इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, लिख के लर्न करेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। सो टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।